So friends, delta variants, delta plus variants are nowadays oftenly discussed. So either it is delta or it is a delta plus variant. These are all the variants of the SARS-CoV-19. तो जो COVID-19 जो SARS-CoV-2 है वायरस है उसी के सारे ये वेरिएंट हैं. और यूरोप में तो कहते हैं कि आने वाले टाइम में ये वेरिएंट बहुत धमाका मचाने वाले हैं, बहुत लोगों को परेशान करने वाले हैं. तो आज हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द न्यू डेल्टा एंड द डेल्टा प्लस वेरिएंट. तो बेसिकली जो डेल्टा वर्जन है, जो डेल्टा वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है जो ट्राइंगुलर हो, जो कॉन्स्टेंटली एक्सपांड हो रही हो, उसके लिए हम डेल्टा वर्ड यूज़ करते हैं. एंड ऑलरेडी कोविड के लिए हमारे जो इसके पहले वर्जन्स थे अल्फ़ा, बीटा, गामा, इस तरह के वर्जन्स, इस तरह के इसके जो वेरिएंट्स हैं वो आ चुके थे. अल्फ़ा, बीटा, इस तरह के वेरिएंट्स इसके थे. और डेल्टा इसलिए नाम दिया गया कि बहुत तेज़ी से फैला, इसने अपने आप को म्यूटेट किया. और उसके बाद डेल्टा के बाद उससे और अगला वेरिएंट निकला डेल्टा प्लस. स्पाइक जो प्रोटीन है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों को डिसीज करेंगे. और कहते हैं जो डेल्टा भी बहुत ज़बरदस्त था और इसने बहुत नुकसान किया, लोगों के हेल्थ बहुत ख़राब की, और डेल्टा प्लस तो उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. तो जो डेल्टा प्लस है इसको AY.1 वेरिएंट भी कहते हैं. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से शॉर्ट में याद रखिए, AY.1 जो वेरिएंट है उसको डेल्टा प्लस कह सकते हैं. तो ये जो डेल्टा का ही एक म्यूटेटेड वर्जन है. और किस तरह का म्यूटेशन हुआ है, उस म्यूटेशन को कहते हैं K417N म्यूटेशन कहते हैं. K417N वैज्ञानिक भाषा में ये नाम है. और ये जो है इम्यून सिस्टम को एस्केप करता है, नुकसान पहुंचा सकता है. और फिर क्या डेल्टा जो प्लस है ये वैक्सीन को भी एस्केप करता है? तो ऐसा लगता है कि जो दो डोजेज ऑफ अगर वैक्सीनेशन किसी का है तो वो प्रोटेक्टेड है डेल्टा प्लस के लिए भी. और अभी जो डेथ्स हो रही हैं ये उन्हीं लोगों में हो रही हैं डेल्टा प्लस से जो कि प्रॉपरली वैक्सीनेटेड नहीं थे. जो लोग प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हैं उनको सिर्फ डेल्टा प्लस वर्जन जो है उनको बीमारी उसने की, लेकिन मॉर्टेलिटी नहीं की, मारा नहीं उसको. तो एक हद तक तो हम जो लगवा रहे हैं कोवैक्सीन या कोवाशील्ड वो इसे प्रोटेक्ट करते हैं. और जहाँ तक डेडली की बात है कि डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा डेडली है, तो दोस्तों डेडली तो है और इसमें कोई शक ही नहीं है. डेंजरस भी ज़्यादा है, तो अपना बचाव तो करना ही है, मास्क लगा के रखना है. और जो डेल्टा प्लस जो है ये इवन जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी होती है उसको भी रेजिस्ट कर जाता है. अगर हम वैज्ञानिक भाषा में समझें दोनों में क्या अंतर है, तो जो डेल्टा जो बेसिकली वेरिएंट है इसने अभी जो कोविड 19 की जो सेकेंड वेव थी जो कि मार्च अप्रैल में 2021 में रही, मार्च अप्रैल में 2021 में जिससे बहुत सारे लोग बीमार हुए, बहुत लोग मरे, तो वो डेल्टा वेरिएंट था. डेल्टा वेरिएंट को वैज्ञानिक भाषा में पूछ सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या किस नाम से जाना जाता है. तो B.1.617.2 ये है बेसिकली डेल्टा. और डेल्टा से ही आगे निकला डेल्टा प्लस. डेल्टा वर्ड इसलिए कि कोई चीज़ ट्रायंगुलर हो, कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग हो, तो उसके लिए डेल्टा वर्ड यूज़ करते हैं. और डेल्टा प्लस जो है जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट में इसको AY.1 भी कह सकते हैं. और बेसिकली तो डेल्टा का ही फार्मूला है. डेल्टा में B.1.617 देख रहे हैं .2, इसके बाद बस अंतर क्या है AY.1. तो ये डेल्टा का ही रूप है. डेल्टा जो AY.1 जो कि ज़्यादा कंटेजियस से ज़्यादा भ्रामक है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हैं जो लोग उसको एक हद तक बचाव वो अपने आप को कर सकते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट से. तो घबराने की कोई बात नहीं है. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आप समझ गए डेल्टा जो वेरिएंट है वो B.1.617.2 है और डेल्टा प्लस जो है A.1 ये आ जाता है. और वैक्सीनेशन एक हद तक इस वेरिएंट से कारगर है. थैंक यू वेरी मच.